साइंस ऑफ किचन चैप्टर नंबर एक डी वर्स फर्स्ट वन इज पल्सिस पी यू एल एस इ एस पल्सिस पल्सिस मतलब कि दाल सेकेंड वन नेसेसरी एन ई सीई एस एस ए आर वाई नेसेसरी नेसेसरी मतलब जरूरी थर्ड वन इज ग्रेजुअली सी आर ए डी यू ए एल एल वाय ग्रेजुअली ग्रेजुअली मतलब स्लोली स्लोली धीरे धीरे फोर्थ वन इज ऑब्जर्वेशन ओ बी एस ई आर वी ए टी आई ओ एन ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन को हिंदी में बोलते हैं अवलोकन फिफ्थ वन इज टेम्परेचर टी ई एम पी ई आर ए टी यू आर ई टेम्परेचर टेम्परेचर मतलब कि तापमान सिक्स वन इज यूटेंसिल्स यू टी ई एन एस आई एल एस यूटेंसिल्स यूटेंसिल्स मतलब बर्तन Seventh one is बॉइल्ड फूड बी ओ आई एल ई डी एफ ओ ओ डी फूड बॉइल्ड फूड बॉइल्ड फूड का मतलब होता है उबला हुआ खाना एथ वन इज वेंडर्स e एन डी ओ आर एस वेंडर्स वेंडर्स का मतलब होता है बेचने वाला नाइन्थ वन इज टर्मरिक टी यू आर एम ई आर आई सी टर्मरिक टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी

वी गेट एनर्जी फ्राम फूड हमें जो एनर्जी मिलती है ताकतों किस में से मिलती है फूड में से मिलती है डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड की अलग अलग रीजन्स में अलग अलग वेराइटीज़ है किसके अंदर फूड के अंदर, food के अंदर. फूड बॉइलिंग रोस्टिंग और डीप हम जो खाना बनाते हैं उसके अलग अलग तरीके है कौन कौन से हैं जैसे कि बॉइल करते हैं कभी कभार कुछ फूड को हम रोस्ट करते हैं किसी कोई फूड ऐसा होता है जिसको फ्राइंग करना पड़ता है और कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं डीप फ्राइंग करते हैं मेनी फूड आइटम्स कैन बी इटन इन रो फॉर्म बहुत सारी ऐसी फूड आइटम्स है जिसको हम रो के फॉर्म में भी खा सकते हैं देर आर वेराइटीज़ इन आर फूड की बहुत सारी वेराइटीज़ है हमारे फूड के अंदर गुड एंड न्यूट्रिश फूड इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ आर बॉडी कि हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है गुड और न्यूट्रिश फूड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू हैव नॉलेज ऑफ किचन इसीलिए ये नेसेसरी है बहुत ज़रूरी है कि हमें किचन के बारे में नॉलेज हो इट इंक्लूड्स वेरियस स्पाइसिस यूज इन द किचन के उसके अंदर क्या है इस, आ, आ, इंक्लूड होता है बहुत सारे अलग वेरियस जो स्पाइसिस होते हैं किचन के अंदर वो ऑब्जर्वेशन तो बच्चों यहाँ पर इस पिक्चर में हमें ऑब्जर्व करना है तो हम देखते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है कि एक लेडी है वो खाना बना रही है गैस स्टोव के ऊपर फिर यहाँ पर पीने का पानी का मटका रखा हुआ है कुछ सारे बर्तन है और बहुत सारे डिब्बे है और नीचे भी कुछ डिब्बे है जिसमें क्या है अलग अलग स्पाइसिस है वॉट इज सीन इन द पिक्चर क्या अभी आपने पिक्चर देखा उसमें आपने क्या देखा सेकेंड क्वेश्चन विच स्पाइसेज आर सीन इन द किचन की किचन के अंदर आपने कौन कौन से स्पाइसेज देखे थर्ड क्वेश्चन है वॉट इज बींग कु इन द प्रेशर कुकर की प्रेशर कुकर के अंदर क्या कुक हो रहा है उसके बाद लिखा है रीड क्या खाया तो यहाँ पर लिखा है पहले सीरियल नंबर डे वो डिड यू इन मॉर्निंग और इवनिंग डीप फ्राइड फूड बॉइल्ड फूड रोस्टेड फूड और फ्राइड फूड और उसमें टिक किया गया है जैसे कि सीरियल नंबर में लिखा है फर्स्ट वन वन और डे कौन सा है मंडे तो मॉर्निंग में क्या खाया रोटलो और शाक फिर इवनिंग में क्या है चपाती और शाक तो वो किस में आता है बॉयल्ड फूड में और रोस्टेड फूड में तो उन दोनों में टिक किया गया है सेकेंड है ट्यूजडे तो ट्यूजडे को उन्होंने क्या खाया दाल ढोकली खाई और खिचड़ी कढ़ी खाई तो किस में आता है इंक्लूड होता है बॉयल्ड फूड में और थर्ड डे वेनजे तो थर्सडे है उस दिन उन्होंने क्या खाया मॉर्निंग में पूरी शाक और इवनिंग में क्या है ढोकला तो देखो क्या है बॉयल फूड में वो टिक है बच्चों तो आगे हमने जो ऊपर बॉक्स देखा भावना और दीपा के बारे में उसी तरह से अब आपको आपके बारे में लिखना है जैसे कि सीरियल नंबर कौन सा डे है मंडे ट्यूसडे वेनेसडे लिखना है उस तरह से मॉर्निंग में क्या खाया इवनिंग में क्या खाया चीज़ के बारे में नाम लिखना है और उसके सामने जो यहाँ पर आगे बॉक्स है उसमें टिक करना है और उसके आगे है स्टोरी तो स्टोरी क्या है वो जो हम देखते हैं रीड देर इज अ बॉय हीज नेम इज महेश एक लड़का है उसका नाम क्या है महेश एवरी डे ही स्पाइसी फूड वो हमेशा हर रोज उसको क्या चाहिए बहुत स्पाइसी फूड चाहिए आफ्टर ईटिंग सच स्पाइसी फूड ही स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम इन ही स्टमक इतना स्पाइसी फूड खाने के बाद क्या होता है उसका स्टमक में है वो प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है वन डे महेश वॉज इन स्कूल कि एक दिन क्या होता है महेश जब स्कूल में होता है All students were playing. सारे बच्चे खेल रहे थे His stomach started painting, लेकिन महेश को क्या शुरू हो गया पेट दर्द शुरू हो गया His pains increased gradually. उसका जो पेन था मतलब की दर्द है वो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे और बढ़ता गया ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा थिंक एंड से वाई वॉज महेश स्टमक पेनिंग की महेश को स्टमक में पेन क्यों हो रहा था सेकेंड क्वेश्चन वॉट वुड द डॉक्टर है उसे टू महेश की महेश जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने महेश को क्या बताया थर्ड क्वेश्चन व्हाट विल महेश डू नाउ क्या महेश क्या करेगा उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टोरी है तो चलो हम रीड करते हैं देर इज अ गर्ल ने एक गर्ल है उसका नाम क्या है वर्षा शी स्टडीज इन स्टैंडर्ड फाइव वो भी आपकी तरह फाइव स्टैंडर्ड मतलब की फिफ्थ स्टैंडर्ड में स्टडी करती है शी लव इटिंग आउटसाइड फूड उसे भी बाहर का खाना बहुत पसंद है एवरी डे शी इट्स अनकवर्ड एंड स्टेल फूड फ्रॉम वेंडर्स की हर रोज वो क्या करती है अनकवर्ड और स्टेल फूड होता है वेंडर्स जो बेचते हैं उसके पास से वो खाती है डीज डेली वर्षा का ये हर उसका रूटीन वर्क हो गया वर्षा डज नॉट लाइक ईटिंग एट होम उसे घर का खाना बिल्कुल पसंद ही नहीं उसको घर पर खाना अच्छा ही नहीं लगता एवरी डे वर्षा गोज टू तो होटेल्स रेस्टोरेंट्स एंड वेंडर्स वर्षा हर उसे क्या करती है होटल्स में जाती है रेस्टोरेंट्स में जाती है और वेंडर्स के पास परचेज करती है शी इज वॉट एवर शी लाइज को जिसे जो, जो पसंद है वो हमेशा वही खाती रहती है थिंक एंड से फर्स्ट क्वेश्चन वॉट डिफरेंट फूड आइटम सी मस्ट बी ईटिंग फ्रॉम द वेंडर की कौन से ऐसे डिफरेंट फूड आइटम है जो वेंडर के पास से परचेज करके खाती होगी सेकेंड क्वेश्चन वाई डज वर्षा ईज स्टेल एंड आउटसाइड फूड की वर्षा है वो हरस क्यों स्टेल और आउटसाइड का फूड क्यों खाती है थर्ड क्वेश्चन वॉट वुड है आफ्टर ईटिंग आउटसाइड फूड वर्षा को क्या हुआ होगा इतना सारा आउटसाइड फूड बाहर का खाना खाने के बाद उसके बाद है रीड what would have happened to Varsha? We have learned that why this has happened. कि हम सबको तो पता है कि ये क्यों हुआ Stale, fried and spicy food is harmful for our body. जो stale food होता है fried food होता है और spicy food होता है वो already हमारे body को बहुत नुकसान करता है वो बहुत harmful होता है हमारे body के लिए We may have to face. माइनर मेजर डिजीज की हमारे बॉडी को बहुत सारी डिजीज फेस करनी पड़ती है मे बी वो माइनर भी हो सकती है और एक मेजर फॉर्म में भी हो सकती है हेल्थ इज डिरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थी फूड हेल्थ डायरेक्टली किससे रिलेटेड है हेल्दी फूड से रिलेटेड है यू ईट वेरियस वराइटीज ऑफ फूड क्या बहुत सारी वेराइटीज ऑफ फूड खाते हैं देर आर वेरियस मेथड टू प्रिपेयर दी इस फूड के बहुत सारे अलग अलग मेथड होते है इस फूड को पकाने के लिए लेटेस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक तो चलो उसके बारे में कुछ हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गिवन हिस्टर आर नेम्स ऑफ वेरियस फूड आइटम्स की यहाँ पर जो नेक्स्ट पेज पर है वो बहुत सारे अलग अलग फूड आइटम्स के नाम दिए गए हैं से हाउ दे आर कुड आपको बताना है को किस तरह से कुड किए जाते हैं यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ योर मदर क्या आप अपनी ममा की भी हेल्प ले सकते हैं राइट सीरियल नंबर डिटेल्स ऑफ फूड हाउ इट इज कुछ डिप फ्राइंग बॉइलिंग रोस्टिंग फ्राइंग तो बच्चों यहाँ पर ये टेबल दिया गया है तो फर्स्ट वन उसमें क्या लिखा है खिचड़ी तो खिचड़ी कौन से मेथड से कुक्ड होती है बॉइलिंग करके सेकेंड है रोटला रोटली और थर्ड वन है पूरी तो आप में जो सब आपको लिखना है बताना है रोटला और रोटली कौन से मेथड से होता है डिप फ्राइंग से होता है बॉइलिंग करके रोस्टिंग करके या फ्राइंग करके उसमें आपको टिक करना है और थर्ड वन है पूरी उसमें भी आपको क्या करना है सिर्फ टिक करना है कि कौन से मेथड से फूड कुक्ड होता है